गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्रा जी इंडियन ब्लॉग। और मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही बेसन ब्रेड टोस्ट बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी बेसन और आधी चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं नमक, और आधी चम्मच सूखी मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच से भी थोड़ा सा चाट मसाला लिया हमने इसके लिए, और आधी चम्मच हमने आमचूर डाला है खट्टेपन के लिए इसमें, ये थोड़ा सा खट्टी अच्छी लगती है तो इसके लिए हमने आमचूर भी डाला है। और इसको हम अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे इसका। तो ये देखिए, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार करना है, एक बार में पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये गिल्ठी सी बन जाएगी इसमें। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बनाएंगे। तो देखिए, ऐसा डो तैयार करना है इसका, न ज़्यादा पतला न ही ज़्यादा मोटा बनाना है, बिल्कुल मीडियम साइज में बनाना है इसको। और इसके ऊपर से हम वेजिटेबल्स डालेंगे। तो हमने एक प्याज डाल दिया है बारीक कटा हुआ, धनिया हमने डाल दिया है, और बारीक कटा हुआ एक टमाटर डाला है, और 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई हमने डाली है। आप चाहे तो कोई और सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। और इसके लिए हमने गैस ऑन कर लिया है, गैस पे हमने पैन रख दिया है और पैन हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। और ये देखिए, हमने ब्रेड ले लिया है टोस्ट बनाने के लिए, ये सिंपल सा ब्रेड है, हर दुकान पे मिल जाएगी आपको। तो ये ब्रेड को ऐसे डिप करना है, इसमें दोनों तरफ से डिप करना है, ये देखिए जिस तरह से हमने डिप किया है। और आपको नॉनस्टिक पैन में इसको बनाना होगा, आप चाहे तो किसी भी तवे पे बना सकते हो, लेकिन नॉनस्टिक पैन पे बनाने पे आपका तेल इसमें कम लगेगा, तेल घी कम लगता है इसमें, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए कितने कम तेल में बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको आप बच्चे के लंच में भी दे सकते हो और बहुत इजी भी है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।